ये देखिए दोस्तों, उस्ताद जी का जो कलेक्शन है बहुत बेहतरीन लगा मैंने। आज के टाइम में न्यूज़पेपर आपको देखने को नहीं मिलते, तो जिस टाइम में न्यूज़पेपर आते थे उस टाइम में उस्ताद जी ने काट काट के जो एक ये एल्बम बनाई है बहुत शानदार लगी मेरे को। आपको कैसी लगी बताना जरूर। उस्ताद जी ने जो नाम कमाया वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करेंगे तो बेटे बिल्कुल बिल्कुल। हर न्यूज में आता था मेरा कबूतरबाजी का। खबरा ज्यादा सी पेपर। अब तो खैर आपके लिए नॉर्मल थिंग हो गई। जब उस्ताद जी शुरू शुरू में जब फर्स्ट टाइम आया था तो आपके मन में उस टाइम पे क्या रहा, वो क्या खुशी रही वो थोड़ा बताइए। खुशी तो बहुत थी कि बेटे इतना परमात्मा ने नाम दे दिया कबूतरबाजी में, कहीं सोचा भी नहीं था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, ये परमात्मा की दीन है। इज्जत मान मिल गया, वर्ल्ड चैंपियन बन गया, और क्या चाहिए। वर्ल्ड चैंपियन बनना तो बहुत औखा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए जो वार्ड प्रधानमंत्री से लेना सौखा है। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेना सौखा है। बिल्कुल ये वार्ड में ये मिल गया, और क्या चाहिए। ये परमात्मा का शुक्र करता हूँ। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छे वार्ड मिले। आज देखो आर्टिकल कितने कितने बड़े आए मेरे अखबारों में, वर्ल्ड रिकॉर्ड। बहुत बढ़िया लाइन है, इस चीज को पहुँचने के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है। पढ़ना भी चाहे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, मैंने होल्ड कर रखा है। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि उस्ताद जिस शिखर पे पहुंचे हैं वहीं से मिलने का मौका मुझे मिला, सौभाग्य मिला। मैंने और पेपरों में तो इतनी है, मैं बता ही नहीं सकता। नहीं, कलेक्शन वही देख रहा हूँ, इतनी बढ़िया कलेक्शन आपने करी है। कितने कितने कलेक्शन है देखो, ये देखिए। पढ़ना चाहे बस देखिए, कमाल के कबूतर है। जब आदमी कभी दुखी होता हो या आप कभी दुख होते हो, भाई इसको खोल के बैठ जाइए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। सारी बड़े से बड़ा जो गम होता है ना, उसको पल भर में छू कर दे, एक ऐसी चीज है ये। जो अंग्रेज में ये बाढ़ दे रहा है, ये देखिए बहुत शानदार। मतलब पेज इतने हैं, आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो मेरे हिसाब से आराम से। देखो मैं तुझे बताता एक बात, ये मनोरंजन पेज हो गए, देखो कितने पेज हो गए, 247 पेज। तो और भी लिखाता है इसके बाद, मतलब मनोरंजन का पिटारा खत्म ही नहीं होगा एक बार बंदा लेके बैठ जाए। है कि नहीं, ये बंद हो गया। आज देखो फिर पेज शुरू हो गए, ये देखिए। आज देखो पेज शुरू हो गए, उसके बाद मतलब दो डायरी एक प्रकार से बना चुके उस्ताद जी। कार्ड रखा हुआ सर। अच्छा हाँ, ये सारी चीजें जो कलड़ा आती है, कलड़ा नहीं शुरू हो गई तो पहले जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती है। और मेरे हिसाब से ये लास्ट 15 ईयर या उसके अबाउट का होगा कलेक्शन, ये धीरे धीरे वहाँ से। और अभी कितनी है, अपडेट देखिए 2008 की है ये। हाँ मैं तो खुवार का 2008 की है, और ये 8 के पहले वाली थी ये स्टार्टिंग। कहाँ से बेटे जी, क्या पसंद पढ़ो। वो 1986 की है ये, 9 जुलाई बताइए। बहुत अप्रोक्स 23 और प्लस 14। बहुत शानदार, जन्म भी नहीं होता सच बात है। दिखा रहा है ना, देखो कटिंग उस वक्त की मेरी हुई हुई है। आ देखो सन जेड पुराने में 93 की है, इसके 2 साल पहले जन्म हुआ था मेरा। नाम कागजी वैसे ओरिजिनल तो खैर 89 की है। आज जो पहला मैं इंडिया कप जीता सरदार द्रविड़ सिंह संघ ते मुख्यमंत्री भानू प्रताप सिंह। अच्छा अच्छा, उस टाइम पे उस टाइम की है। 190 घंटे कबूतर डाई सी में थे लिखा उन्होंने रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड में सबूत रखा आया। फर्स्ट प्राइज जीत के लाए रेल मंत्री थे उधर। अच्छा, अच्छा जो अच्छा, फर्स्ट प्राइज जीत ले। तो ये वहाँ आजमगढ़ में, आजमगढ़ में आजकल दिल्ली में है। इसका नाम क्या है, मिनिस्टर है बहुत बड़ा कांग्रेस का। अच्छा अच्छा अच्छा, असदार जी होने पंजाब में है आजकल। आजकल में ही जेई है प्रधान पंजाब का, नाम भूल गया। नहीं राजा बड़ी वो उसकी भी है। इसका ज्ञान विकास केंद्र के लिए सलमान सिंह को सम्मानित किया गया था। जो ये 2009 की है ये सारी डिटेल। तो सच में देखा जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, यहाँ पहुँचने के लिए कितनी वो मेहनत करना पड़ता है एक आदमी को। ये उस्ताद जी से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। पहले साइकिल प्राइज मिलते हैं मुझे, देखो साइकिल कितनी पुरानी मेरा रिकॉर्ड है। उस समय साइकिल मिलता है, अब तो यहाँ बाइक और गाड़ी तक पहुंच गए। वो तो मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल आपने उस्ताद जी कितनी जीती होगी। अब अगर मेरे में प्राइज जीते उस वक्त सोने के प्राइज ज्यादा मिलते थे, बूंदी कड़े जी मिलते थे,
तो उसके बाद तो जो टेलीविजन जैसे काफी मिले मुझे, काफी एडजस्टमेंट पक्के मिले, काफी बहुत कुछ मिला, मैं आप बता नहीं सकता। पहले साइकिल की बड़ी वैल्यू होती थी, बहुत बड़ी थी उस समय, तो लोगों के पास साइकिल होती थी भाई, पैसे वाला होता कितने। फिर गाड़ी आई, धीरे धीरे बाइक आने लगी, अब तो कॉमन चीज हो गई है। हाँ देखो मैं बॉडी बिल्डिंग से तो करता हूँ। अच्छा हाँ, ये मैंने नीचे देखा था, आप राइड भी करते हैं? मेरी बॉडी बिल्डिंग की। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपकी तस्वीर है? मेरी है बेटे, मेरी थल्ले भी लगी हुई है। बड़े स्मार्ट लग रहे थे उस्ताद। मेरी बॉडी बिल्डिंग की और बता दे, देखो आज ही कलर कलर दे लो। हां देखो बहुत चीजें अभी भी फिटनेस है, पर मेरे टैग हो गया, फिर मैं हो गया थोड़ा वीक लग रहा है। 2010 की है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा बताना मुश्किल है। बहुत है, पेज ही नहीं खत्म होंगे, इतनी कलेक्शन है, कलेक्शन खुल जाएगा। लास्ट कलेक्शन जो ये 360 गई है, इसके बाद ये चालू हो गए, इसके बाद ये फिर चालू हो गए। इसके नंबर नहीं लिखे हुए, नंबर नहीं लिखे, लेकिन सन से आप कर सकते, 2013 का है और ये लास्ट जो था ये 2013 का जून का है। हाँ, मेरे जून के बाद का है। हाँ, मेरे ऊपर लगा हुआ है, नंबर नहीं लाए, कोई नहीं, बट उससे डेट से पता लग रहा है। डेट में लगा, देखो जब मैं दिल्ली से पहली बार प्राइज लेके आया, मेरी बेटी लेके आई थी तो मैं भी लेके आया था। देखो ये देखो दिल्ली के प्राइज, मेरी बेटी खड़ी है, मैं खड़ा, रोजर सुन। हाँ रोजर भाई, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ी सी गलती करी, चैनल इनका डाउन चला गया, वो तो चलो अलग होता, लेकिन पहचान एक प्रकार से इन्होंने भी, कमल भाई के बाद इन्होंने जो शुरुआत करी थी, सभी का शौक कराने की बहुत अच्छी। सारे खड़े है, आखिड़ा स्टार है तुम्हारा। ये वो है, मैं जानता हूँ उस्ताद जी, हमारी दिल्ली में कमल के वो है ना उस्ताद जी। हाँ कमल का स्टार है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, जस्ट अभी भूल गया मैं। रिजवान उस्ताद है, रिजवान उस्ताद जी बहुत अच्छे है। ये हमारे पंजाब के मलवइयों वाले मशहूर जंटा उस्ताद, जंटा उस्ताद जी, जंटा उस्ताद किले वाला भी इतना वा, काका उठे वा कनेडा। तो जंटा उस्ताद जी की अपनी अलग एक नस्ल थी ना, जो उनके नाम। हाँ, मेरे पास बहुत अच्छी नस्ल थी इसकी, मेरे पास भी है एक उस्ताद के भी, मैं वीडियो बना के आया था पंजाब की, उनका नाम याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा मेरे को। बहुत अच्छे उस्ताद थे, उनके कबूतर बड़े अच्छे। वो अभी जो जोड़ा दे रहे हैं 50,000 का, पंजाबी बहुत महंगे आजकल, 50,000 रुपए का जोड़ और एक टाइम में आ सकते में प्राइस ले रहे हैं मुख्यमंत्री से, बादल साहब बहुत बड़ी अचीवमेंट है रियल में। पटल मुख्यमंत्री, पटल जलंधर में, पटल मुख्यमंत्री, यही सारे मुख्यमंत्रियों से बाढ़ ली हुए, सारे सब जानते हैं आपको। मुख्यमंत्री ऐसे होते बेटे, जो कोई फेमस हो तो हर को मिलते हैं, इस लाइन पे बहुत फेमस, सही बात है। और ये पिंड का भी तो एक प्रकार से बहुत बड़ा सम्मान है कि भाई अपने पिंड का बंदा है, इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचा है, तो उसको शो करना कोई गलत बात थोड़ी ना है। अभी नाम पढ़ी इसका हिंदी में, तो पढ़ लेगा ना, मैं हिंदी में तो पंजाबी नहीं आती, हिंदी में तो आ जाएगी, पंजाबी में है ना ये है। अच्छा जी, ये सोने लाल को, ये कोई और है, इसका नाम भूल गया मैं यार, मैं मुंह में फिर रहा है। जलंधर केसरी का है ये, बहुत अच्छी कलेक्शन कर रखे रियल में, एंजॉयमेंट। वो बेड़े इतनी कटिंग है ना, बता वही ये एक सामने वाला बंदा जो कबूतर भाई से जुड़ना चाहता है, उसको बहुत बड़ा प्रोत्साहन भी है ये। वो एक बार ये किताब खोल के पढ़ने ना, तो उसके अंदर एक ऐसी जिज्ञासा आ जाएगी, भाई मेरे को भी अचीव करना है, बिल्कुल अचीवमेंट करनी पड़ती है। मेरे पास खिलाड़ी गलत चीज को एकदम ये परे करके कबूतरबाजी में आता है, कोई अगर गलत रास्ते गया तो उसको कबूतरबाजी सिखा दो,
उसको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो गलत चीजों में पड़े। बिल्कुल सही बात है, नशे से मुक्त हर चीज से वो दूर कर देगा, बिल्कुल इसमें टाइम ही नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी चीज है अगर देखा जाए। बहुत बहुत बढ़िया, शौक चाहिए दिल से। और यार मेरा जुनून देखिए, कलेक्शन देखिए उस्ताद जी की, और उधर भी पूरा भरा पड़ा है। जुनून था, मैं इस दुनिया में नाम बनाना बना रही। मेरे एक बेटे और बात बताता हूँ, मेरे पास मेरे भैया जो है ना बड़े, वो लंपिंग हाथी बने रहे, ये भी बात सुन लो। अच्छा। उन्होंने लंपिंग में नाम कमाया तो मैं कबूतरों में कमाया। अच्छा, वो लंपिंग में 80 में जीत के आए गोल्ड मेडल, डीआईजी है पुलिस में, लोहार दविंदर सिंह गर्चा। अच्छा अच्छा, वो मेरे सगे ब्रदर है बड़े, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक लंपिंग में नाम कमाया, एक ने वर्ल्ड में कमाया, कबूतरबाजी में वर्ल्ड में नाम मिल गया मुझे कबूतरबाजी में। देखो पहले कबूतर की नस्लों में लिया मैंने वर्ल्ड का नाम, ग्रीन अखों वाले कबूतर पैदा किए मैंने। बात तो किसी को सही नहीं है ही, अभी कह रहा है उसका सर जो रेट आप उस टाइम पे क्या लग गया था कबूतर का एक्चुअल। बेटे उधर जो अंग्रेजों ने रेट लाया था 16 लाख रुपए, इधर आके जैसे पाउंड होते हैं डॉलर होते हैं, इधर आके डबल हो जाते हैं, वो इधर आके 7 करोड़ बन गया था बेटा। वो देखो अखबार में लिखा हुआ है सब कुछ, गली गली बात पढ़ेंगे ना तो पता लगेगा। पढ़ना चाहेगा पढ़ भी सकता है बिल्कुल, हाँ कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकता, सबूत है बोलते बेटे बोलते, हम कोई जाली काम नहीं करते। हम तो सोचते 1 करोड़ का भी कबूतर, 1 लाख का भी बहुत महंगा। बेटे 7 करोड़ रुपया, 7 करोड़ मेरे घर को पूरी टीम आई थी अंग्रेजों की, तो उस्ताद जी उसको बेच के पैसा लगा के आज ऐश की जिंदगी, ठुकरा के उस्ताद जी ने कबूतरबाजी को सबसे ऊपर रखा है, सबसे बड़ी बात है। मेरे कबूतर कहते ना पैसा तो कंजरों के पास ही बहुत बहुत आता है, पैसा हर के पास आता है, नाम नहीं बनता बेटे। कौन देखो नाम बना तू मेरे पास आए, बिल्कुल नहीं तो तू ये जानना था मैं जानना था टाइम का है, आपका जो एक अचीवमेंट था उसके लिए हम इतने दूर से चल के आए उस्ताद जी। बेटे मैं यही कह रहा ना, नाम बनाना बहुत बड़ी बात है, पैसा तो मैं बताया है अभी, वो कहते हैं कंजरों के पास भी होता है। हाँ सही बात है, लेकिन इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है उनकी, जो इज्जत मेरे आदमी जाएगा तो इज्जत लेके जाएगा। परमात्मा ने मुझे इज्जत दे दी बहुत, मैं परमात्मा का शुक्र करता हूँ इतनी इज्जत दे दी है कबूतरबाजी में, मैं कभी सोचा भी नहीं था भी मुझे इतनी इज्जत मिल जाएगी। बिल्कुल, मैं हर प्रधानमंत्री से हूँ राष्ट्रपति वार्ड भी सारे वार्ड ले चुका हूँ, वार्ड मिले मैं यही इज्जत मांग। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिख रहा है, वो चीज दिख रही है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है सारी चीजें। मैं बेटे वो एल्बम में भी दिखाता तुझे, अले मोदी साहब की फोटो लगाई इधर, वो भी उसकी भी है दिल्ली में तुम्हारे में। ठीक है दोस्तों, दिखाएंगे अभी कबूतर आपको, बहुत बेहतरीन है, शायद ही आपने देखेंगे और भी वीडियो में देखेंगे, तो आशीष भाई के चैनल पर भी देखना आप ग्रीन आइस, ये जो सामने वाले दिख रहे हैं ऐसे ही है सेम कलर, ये कबूतर भी है ग्रीन आइज ही है, वर्ल्ड चैंपियन तो ये है। नमस्कार दोस्तों, तो दोस्तों आ गए उस्ताद जी की छत पे, और उस्ताद जी कुछ कबूतरों का आपको शौक कराएंगे। ये देखिए ये उस्ताद जी का जो ग्रीन आइज वाला कबूतर है उनका सारा लॉक्ट है, और इसमें सारे मलवई कबूतर हैं उस्ताद जी के चैंपियन, और उधर भी मलवई हैं, और ये थोड़ा अभी जो नए पंजाबी चिक्स निकले हैं वो है सारे। बैठक देखिए आप इसकी रेड कलर वाले की, बहुत शानदार। थोड़ा बाहर आते हैं घुमा, एक तरफ खड़े जाइए भैया, थोड़ा तो साइड में आप इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ तो बड़ी कीमती नस्ल है, हाँ एक दो पकड़ के दिखा दीजिए फिर खोलना चाहिए आप, नहीं तो फिर बंद करना दिक्कत हो जाएगी। बंद नहीं होते फिर, हाँ फिर वही चीज़ है ना, फिर बंद नहीं होंगे, फिर अभी भड़क जाएंगे। और दोस्तों ये मलवई हैं, अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में उस्ताद जी के, पहले ग्रीन वाइज ग्रीन आइज के आपको दिखा देते हैं। वो देखिए वाइब्रेशन कैसी है परों में, छूने नहीं देते होंगे। ये देखिए उस्ताद जी, इस तरह का शौक करिए आप,
भैया ग्रीन आखी है ना? बिल्कुल बिल्कुल प्योर ग्रीन आइस। कोई झूठ तो नहीं बोला जा रहा? मैं ओरिजिनल दिखा रहा बेटे। ये देखिए दोस्तों बहुत शानदार। अभी ये कितना पट्टा ही है लग रहा है। तो इसमें जब इंटरनल ब्रीड कराते हैं तो उसमें ग्रीन ही निकलती है फिर चेंज भी हो जाती है आपका? बेटे चीज होती है पहले तो ऐसे लगती है, देखो एक ग्रीन बनेगी। ये भी नया पट्टा है, एक पट्टा है बच्चा भी, जब से इसके 10% साफ हो जाएगा बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी। ठीक है, ये बड़ी फीमेल दिखाई है सर, ये नर गया है बड़ा फीमेल। पकड़ दो मुझे। बिल्कुल ये देखिए इसके, वाह और ये राज मुझे लगता है उस्ताद जी के साथ ही जाएगा ये ग्रीन आइस बनाने का। मैं और भी दिखा देता है बेटे, वो सीक्रेट बात है, बहुत ज्यादा है ग्रीन आइस। उस्ताद जी आपने एक कबूतर ग्रीन आइस वाले किसी को अभी तक दिए नहीं थे, ये सच सच होता है बेटे, मेरे शिगिर्दों के पास है लेकिन उसको उन्होंने कभी उसका वो नहीं करा, वो किसी को देते नहीं, कि मर जाए घर दे, मर जाए वो चल जाएगा लेकिन किसी को देगी नहीं। ठीक ठीक, वो छत्तीसगढ़ है मेरा शिगिर्द है। अच्छा अच्छा अच्छा, शिनू उसका मेरे पास दो जोड़े ले गया था, ऐस वक्त उसके 400 बनाया हुआ है मेरे ग्रीन अखों वाला। अच्छा अच्छा, मेरे पास नस्ल खत्म हो जाएगी ना। हाँ सही बात है, तो वहाँ से ले भाई, चार दिन की बीमारी उमारी आ जाए। बीमारी तो बेटे बहुत आती है आजकल, तो इन्हों को देखभाल बहुत करनी पड़ती है, करनी पड़ेगी क्योंकि फिर एक बार नस्ल निकल गई तो फिर बनाना पड़ा, नस्ल नहीं बनती बेटे, नस्ल बनाई है बिल्कुल, मैं बनाई है, देखने लोग आते है। सारे नए चिक्स हैं अभी, बेटे बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं ये बच्चे, जालदार है ये ग्रीन आंख के, पहले ही बता रहा मैं, इसकी ग्रीन आंख बनेगी जब इसकी साफ हो जाएगी ग्रीन बन जाएगी। उन देखे ना बड़े फड़ के दिखा दिए, ग्रीन आंखों के बन जाते हैं, बहुत सॉफ्ट है अभी तो। ये बच्चे नहीं बनाने बौखे है, ये बच्चे चीख चीख पालने पड़ते हैं। तो इनकी उड़ान क्या दे दी है उस्ताद जी, उन्होंने लास्ट टाइमिंग क्या रही थी? बेटे जब मैं ऑल इंडिया में डाए थे ना जी जी, ते ये बच्चे जेड़े ना जेड़े रात को मेरे ख्याल 6:30 बजे बैठे थे, 6:30 बजे हाँ 6:30 बजे बैठे थे, तो 5:30 बजे की फड़क होगी गर्मी में, गर्मी में की। अच्छा। ते अपने सर्दी में तो रात को बैठे बैठे कभी निकल जाते थे, निकल जाते तो रात को ऐसे पहले इंतजाम नहीं होता लाइटों का। एक मेरे मुकाबला था मुझे याद है, काफी पुरानी है बात मुझे बता रहे हैं, उदो क्या हुआ था तुझे बताता बेटे जी, कैसे हुआ मुकाबला, कबूतर उड़ रहे मेरे रात को बैठे रहे बच्चे, जे वाले बच्चे इसे इतने इतने बिल्कुल जेड़े बैठे थे, वो कहते सब खड़ा है, कहते नहीं आएंगे, इतनी गर्मी पड़ रही थी मैं बता ही सकता, मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, खड़ा नहीं हो रहा, सूरज इतना तप रहा था, तो मैं उस वक्त मैं क्या ये मैं डाएगा बढ़िया उड़ेंगे बच्चे जो 6:30 बजे तो कह रहे नहीं आएंगे, मैं क्या ऊपर से ही आएंगे, मैं कह दिया लिख के देता था आएंगे मर जाएंगे लेकिन आएंगे, मैं मर जाएंगे वो आएंगे आएंगे, वो 6:30 बजे साथ ऊपर से आने शुरू हो गए। अच्छा। मैं वो दिखा दिए लंबे पैके, मैं दोनों आ रहे हैं, आसमान बंद हो गए थे सारे। बिल्कुल वो समान में आ रहे थे। हाँ। जो 7 बजे वो कहते हैं बैठ जाएंगे, मैं बैठे गए पक्के, कहते थोड़ा थोड़ा निराह रहने लग गया, मैं कोई बात नहीं फिर क्यों बैठ जाएंगे, आ जाएंगे टाइम, कहते कैसे बैठाएंगे, वो ऐसे दोस्त कबूतर देखने आए हुए थे, वो मोटरसाइकिल होते ना मोटरसाइकिल, उनको पुट्ठे लम्बे पा दिए, अच्छा उन्हों की लाइट डराने के लिए लाइट ऊपर कर दी, अच्छा सारे मोटरसाइकिल 5-7 मोटरसाइकिल उन्हों की लाइट ना जो अड्डा था उसमें मारी, वो बच्चे आने आके बैठ गए, बच्चे बैठ गए मेरे दिखने लगे, मैं उस वक्त कई टूर्नामेंट और कई मुकाबले बाजी थी मेरी,
बड़े मशहूर खिलाड़ियों से, चाहे शोका पांड्या ने जलंधर में बहुत मशहूर है उसके साथ सी, उसको भी जीता। फिर अपना नत्था है पार्को कैंप उसको भी जीता, फिर सोन हुशियारपुर वाले को भी जीता। बड़े खिलाड़ी बड़े बड़े जीते, उदो मुकाबले डायरेक्ट होते थे तो मैं जीते, बड़े नाम जीते, इतना नाम दिया परमात्मा ने उसका शुक्र करते हैं। ऐसे ही परमात्मा नाम देता रहा तो मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। मैं कबूतर तो ये दिखाता है बाहर निकाल के बेटे। हाँ बिल्कुल, अब निकाल दीजिए ग्रीन आइस तो। तो अंदर से कुछ बच्चे दिखाते हैं, चुप ये बेटे बच्चे निकालते हैं, ये सारे ब्रीड वाले होंगे। हाँ ब्रीड वाले जोड़े हैं मेरे पास, सारे जोड़े हैं ये। बहुत शानदार नजारा, इसमें सारे बच्चे रखते होंगे, नए बच्चे निकल रहे हैं क्योंकि फिर बच्चे कबूतर खराब कर देते हैं ना कुछ। कोई दिक्कत नहीं बेटे, अभी जाली लगी है ना।